हाय गाइस, मैं हूं आपका होस्ट डैनियल एमएसआर और आप देख रहे हो मेरा चैनल क्लास विद 1947। तो गाइस, फिर से आप लोगों के साथ एक बहुत ही बढ़िया न्यूज़ शेयर करने के लिए आज आया हूं। क्लैश ऑफ क्लैन रिलेटेड ही न्यूज़ है, जो हम लोगों का जो क्लैन गेम्स है उसका नोटिस तो आ गया है। चार दिन पाँच घंटा बाद शुरू होगा, वो तो देख ही सकते हो। उसके साथ साथ हम लोगों का जो डेली चैलेंज, जो सीजन चैलेंज चल रहा है, सीजन चैलेंज में कुछ अपकमिंग चैलेंजेस है। तो उस अपकमिंग चैलेंजेस में कुछ चैलेंजेस आने वाला है, तो उसी चैलेंजेस का क्या क्या चैलेंज आने वाला है तो आप लोगों को उसी चैलेंज के बारे में बताएंगे पूरा डिटेल्स के साथ, और उसके साथ साथ कौन सा चैलेंज में हम लोगों को कितना चैलेंज पॉइंट मिलेगा पूरा डिटेल्स इस वीडियो पर बताएंगे। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखना, आप स्किप मत करना, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाला है। और इस वीडियो के बाद जरूर ट्राई करेंगे कि क्लास जो क्लैन गेम आने वाला है उस क्लैन गेम का डिटेल्स भी आप लोगों के साथ शेयर करें। ठीक है, तो चलते शुरू करते हैं। तो अभी आप लोग देख सकते हो, अभी जो नया इवेंट चल रहा है, मतलब जो नया इवेंट चल रहा है देख सकते हो, 5 इवेंट चल रहा है, जो हॉक का इवेंट, बॉक्सर जायंट, ड्रैगन, बिल्डर विद स्टार, उसके साथ साथ क्लैन गेम पॉइंट करना, उसके बाद वर्ल्ड बनाना जो भी है। ठीक है, उसके बाद क्या क्या इवेंट आने वाला है देख सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टोटल 12 इवेंट अभी भी आने बाकी है। ठीक है, तो 12 इवेंट में तो आप लोग स्क्रीन पे पहले देख लीजिए, जो पहला इवेंट आने आएगा जो है हर वीकेंड में, मतलब एक हफ्ते में 5-6 इवेंट आ रहा है। ठीक है, तो इस इवेंट में 6, इस वीक में, इसके बाद वीक में 6 इवेंट आएगा, उसके बाद फिर से 6 आएगा। तो इसके बाद वाला जो 6 इवेंट आने वाला है वो 6 इवेंट होगा क्या? तो फर्स्ट जो होगा कैनन डिस्ट्रक्शन, मतलब हम लोगों को 50 कैनन को डिस्ट्रक्ट करना तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मल्टीप्लेयर पे 50 कैनन, तो उसमें हम लोगों को मिलेगा चैलेंज पॉइंट, जो मिलेगा जो ग्रीन कलर का चैलेंज पॉइंट है वो मिलेगा हम लोगों को 80। ठीक है, 880। ठीक है, उसके बाद आता है हम लोगों का नेक्स्ट, हम लोगों का जो नेक्स्ट चैलेंज होगा जो हम लोगों का बिल्डर बेस रिलेटेड होगा, वो है हम लोगों का जो बिल्डर बेस में जो एक नाम है ना, क्रशर नाम जो है, उस क्रशर को 15 क्रशर डिस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। 15 क्रशर डिस्ट्रक्शन करने के बाद हम लोगों को 80 चैलेंज पॉइंट मिलेगा। उसके बाद आएगा हम लोगों को 125 वॉल सेगमेंट डिस्ट्रक्शन, मतलब हम लोगों को मल्टीप्लेयर या बिल्डर बेस जो भी होगा वो मतलब उसमें जाके हम लोगों को वॉल तोड़ना होगा, 125 वॉल तोड़ना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, जिसमें हम लोगों को मिलेगा टोटल 80 XP। ओके, उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट जो इवेंट है, हम लोगों को गोल्ड लूटना पड़ेगा, 2 मिलियन गोल्ड, और एक अटैक में 2 मिलियन गोल्ड। उसके बाद और एक इवेंट है एलिक्सर का इवेंट, जो मल्टीप्लेयर में 2 मिलियन एलिक्सर लूट करना पड़ेगा, दोनों में हम लोगों को मिलेगा 80 चैलेंज पॉइंट। ठीक है, उसके बाद आता है हम लोगों का एक बेहतरीन इवेंट है जो है 500 ट्रूप डोनेशन, मतलब 500 हम लोगों को ट्रूप डोनेट करना पड़ेगा। उस 500 ट्रूप डोनेट करने के बाद ही हम लोगों को इवेंट कंप्लीट हो जाएगा, जो इसमें हम लोगों को मिलेगा 80 चैलेंज पॉइंट। ठीक है, ये गया टोटल 5 गए हम लोग। अब छठा आएगा, 6 नंबर जो आएगा वो है हम लोगों को बिना हीरो को अटैक करना पड़ेगा, बिना हीरो को अटैक करके 15 स्टार लेना पड़ेगा। ठीक है, 15 स्टार जिसमें हम लोगों को टोटल XP मिलेगा 160। ठीक है, XP नहीं, सॉरी, चैलेंज पॉइंट। ठीक है, उसके बाद आता है विदाउट स्पेल, मतलब कोई बिना स्पेल यूज़ करके हम लोगों को अटैक करना पड़ेगा, जिसमें हम लोगों को 15 स्टार लाना पड़ेगा। ठीक है, बिना स्पेल यूज़ करके, तो उसमें भी हम लोगों को 160 चैलेंज पॉइंट दे रहा है। उसके बाद आ रहा है सीज मशीन का यूज़, 5 बार हम लोगों को अटैक करने के टाइम 5 बार सीज मशीन लेके जाके यूज़ करना पड़ेगा, तो हम लोगों को 80 चैलेंज पॉइंट मिलेगा। उसके बाद आते हैं हम लोगों का एक बोनस, मतलब स्टार बोनस जो हो सकता है, वो स्टार बोनस नहीं, जो स्टार साइन का देख रहे हैं आप लोग, उसमें हम लोगों को टोटल स्टार लेना पड़ेगा, कुछ अमाउंट स्टार लेना पड़ेगा, एक अटैक करने के एक मिनट के दौरान हम लोगों को स्टार लेना पड़ेगा, तो तभी आप लोगों को ये होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को टोटल 200 मिलेगा, 200 चैलेंज पॉइंट मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोगों को मल्टीप्लेयर बेस का एक इवेंट है, जिसमें हम लोग 5 स्टार लाना पड़ेगा। ठीक है, 5 स्टार लाना पड़ेगा, और जिसमें हम लोग को 100 चैलेंज पॉइंट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आता है हम लोग स्पेल यूज़ करना पड़ेगा, 50 स्पेल यूज़ करना पड़ेगा, मतलब एक मल्टीप्लेयर बैटल में जब भी वार अटैक करने जाएंगे हम लोग टोटल 50 स्पेल यूज़ करना पड़ेगा, इस यूज़ करने के बाद ही हम लोग को 80 चैलेंज पॉइंट मिलेगा। तो इतना ही था वीडियो पे, टोटल जो अपकमिंग चैलेंजेस है इतना ही है, और डेली चैलेंज तो आप लोगों को जानते हैं, जो एक बिल्डर बेस पे एक स्टार, होम बेस पे एक स्टार, और उसके साथ साथ 15 डोनेशन करना पड़ता है, ये डेली चैलेंजेस है। डेली चैलेंजेस में कोई चेंजेस नहीं है,
तो वीडियो पे आज इतना ही था गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब करिए। गुड बाय गाइस, क्लैश ऑन।